अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, मज़े में हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज का हमारा बड़ा ही प्यारा सा एंटीक सा कॉइन है जी, ज़्यादा पुराना नहीं है। डिज़ाइन जो है वो ज़रा थोड़ा सा एंटीक है, बड़ा मज़े का है। बड़े मज़े मज़े के डिज़ाइन देखने को मिल रहे हैं हमें, हमने जितने भी कॉइन रिव्यूज़ किए हैं। तो चलते हैं डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। 2001 का ये कॉइन है, यूनाइटेड स्टेट US डॉलर्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का कॉइन है। करेंसी जो है US डॉलर है, और जो इसकी वैल्यू है, जो कॉइन है वो क्वार्टर डॉलर है। क्वार्टर डॉलर जो है वो जो उसकी फेस वैल्यू बनती है अप्रोक्स 25 सेंट, 25 सेंट जो है वो बनती है। तो चलें डिज़ाइन की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं जी कि क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले रोड आइलैंड 1790, तो ये दो डेट्स लिखी हुई हैं। बेसिकली ये जो कॉइन है ये 2001 का ही है, पर ये रोड आइलैंड को जो है वो मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। 1790 की जो डेट है वो मेंशन है, जो 1719 ये वो डेट है जब ये रोड आइलैंड जो है यूनियन में इसका जो है वो लिखा गया था, एडमिशन हुआ था, अंदराज हुआ था 1790। उसके नीचे देखेंगे दी ओशन स्टेट इनग्रेव किया हुआ है, तो जो द ओशन स्टेट है रोड आइलैंड, और ये बड़ा ही प्यारा सा आप देख सकते हैं वेव्स जो है पानी की वो इनग्रेव है इसके ऊपर, और एक विंटेज बड़ी ही ज़बरदस्त ओल्ड स्कूल एक जो शिप है वो इनग्रेव की हुई है, जो बड़ा ही प्यारा और मज़े का जो सीन है, मंजर है वो देखने को मिल रहा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। विंटेज सेल पोर्ट बड़ी ही खूबसूरत लग रही है पानी के ऊपर तैरती हुई, और पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्रिज भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये ब्रिज जो है पहल ब्रिज, तो ये बड़े प्यारा सा ब्रिज जो है वो भी बड़ा सफाई से और बड़ी खूबसूरती से इनग्रेव किया हुआ है। तो उसके नीचे देखें 2001, जैसा कि मैंने बताया कि 2001 का ये कॉइन है, और इप्लरीबस यूनम, ये हमें हर कॉइन में ये फ्रेज, ये लाइन देखने को मिलती है, जिसका मतलब ये है कि आउट ऑफ मैनी, काफ़ी में से निकला हुआ, जमा किया हुआ भी आप कह सकते हैं कि काफ़ी जो है तादाद उसमें से निकला हुआ, इसलिए ये इप्लरीबस यूनम इसका जो मतलब बनता है। तो ये नर्गेंस्ट बे से जाती हुई ये शिप, जो पोर्ट्रेट की विंटेज सेल जो शिप की जो फोटो पोर्ट्रेट है वो इनग्रेव है। तो 2001 का ये कॉइन है, तो ये बड़ा मज़े का डिज़ाइन लगा मुझे। तो उम्मीद है कि आपको भी ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। तो चले दूसरी साइड की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं क्या देखने को मिलता है जी। ये है जी क्वार्टर डॉलर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये देखें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऊपर मेंशन है, इनग्रेव है, नीचे इन गॉड वी ट्रस्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं इन गॉड वी ट्रस्ट हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के तकरीबन हर कॉइन में देखने को मिलता है ये फ्रेज, ये मोटो इनका इन गॉड वी ट्रस्ट। उसके बाद लिबर्टी, ये भी हर कॉइन में देखने को मिलता है। अब तक जितने भी हमने कॉइन रिव्यूज़ किए हैं या जिनके डिज़ाइन पर बात की है, सब पर ही ये लिबर्टी और इन गॉड वी ट्रस्ट हमें देखने को मिला है। और ये क्वार्टर डॉलर ऊपर इनग्रेव है, मेंशन है। तो उसके बाद पोर्ट्रेट की बात करते चलें, तो ये बड़ी ही क्लियर नज़र आ रही होगी आपको स्क्रीन पे, और हेयर स्टाइल जो है 90s का हेयर स्टाइल है पोर्ट्रेट में, वो इनग्रेव हुआ हुआ है, जो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। और ये नीचे हेयर के नीचे, बालों के नीचे आपको एक टाई रिबन, ये देखें ये टाई रिबन देखने को मिलेगा जो बालों के नीचे लगा हुआ है। तो ये 90s का जो था आई थिंक फैशन था ये, वो जो रॉयल फैशन कह लें आप, तो बड़ा ही खूबसूरत है। जिसने चार चांद लगाए हैं कॉइन को, असल में वो यही डिज़ाइन है। तो
ये जो पोर्ट्रेट आप देख रहे हैं ये है जी जॉर्ज वाशिंगटन। ये जॉर्ज वाशिंगटन साहब की ये फ़ोटो है, पोर्ट्रेट है जो इंग्रेव है। और ये जो जॉर्ज वाशिंगटन है ये द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ये अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हैं, जो प्रेसिडेंट बने, आपको कॉइन के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। ये था जी हमारा आज का कॉइन क्वार्टर डॉलर 2001। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉइन भी पसंद आया होगा बाकी कॉइन्स की तरह। तो ये इतना ओल्ड नहीं है, इतना रेयर नहीं है, इतना एंटीक नहीं है, इतने पुराने कॉइन्स जो नहीं है उसका भी हम रिव्यू करते हैं या उसके डिज़ाइन पर बात करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है और देखने को मिलता है कि क्या इंग्रेव है इसके ऊपर। तो दुआओं में याद रखें ताकि हम इस तरह के कॉइन्स आपसे शेयर करते रहें और अपनी कलेक्शन भी आपसे शेयर करते रहें। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।